हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। प्रत्येक राष्ट्र में वैसी भाषा होती है जो राष्ट्र के सभी व्यापारियों के लिए सर्वमान्य हो। इसी भाषा के द्वारा राष्ट्र के सभी कार्य व्यवहार किए जाते हैं। सरकारी दफ्तर, कचहरियों आदि में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी भाषा को राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र का प्राण होते हैं। इसी के आधार पर देश का उत्थान और पतन निर्भर करता है। इस भाषा में राष्ट्र की भावना व्यक्त होती है। इसी के द्वारा राष्ट्र के नागरिकों में ज्ञान का संचार होता है। अतः राष्ट्रभाषा का चुनाव करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके उत्थान और विकास के लिए राष्ट्र को उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी क्रम में हमारे पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा हिंदी संकल्प दिवस मनाया जा रहा है।